हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैस स्टेशन सिमुलेटर। वेलकम बैक। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने जंक एडवेंचर्स को और बढ़ाने के लिए एंड और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाने के लिए। हमारे पास अभी ये वाला स्क्रैप पड़ा हुआ है लेकिन इसके लिए अभी तक पार्ट नहीं मिला है एंड आई थिंक ये गाड़ी बहुत बढ़िया बन जाएगी एक बार अपने को अच्छे पार्ट्स मिल जाए। फिलहाल हमारे पास अंकल का फोन आया हुआ है तो चलते हैं भाई, फोन उठाते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अंकल डिसीजन लेंगे ना कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। हेलो अंकल, बोलो। हेलो नेफ्यू, योर रीसेंट एक्शंस आर वेरी थैंक यू इंप्रेसिव। अंकल इंप्रेस हो गए। हू नोस, मेबी द केस इज नॉट लॉस्ट येट। चलने दो। हां, कोऑपरेशन विद शॉन लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। शॉन को तो कुछ करने भी नहीं बोला, बस वर्कर की तरह काम कर रहा है। दिस बिजनेस विद हिज हेल्प। ओके, वी टॉक सून, गुड लक। थैंक यू। अपग्रेड द ऑफिस टू लेवल 2। ओके, अच्छा हुआ ना पिछली बार मैंने स्टोरेज अपग्रेड नहीं किया था अपना, तो ये आई थिंक अपना ऑफिस है एंड अपने को इसको लेवल 2 करना है। चलो ये तो हो जाएगा भाई इजीली। लेट्स गो अपग्रेड जंकयार्ड ऑफिस लेवल 2। अपने को 6 कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट चाहिए थे, मतलब 5 चाहिए थे, 6 है अपने पास। तो अपने पास 3 नए स्टेट अनलॉक हो जाएंगे जहां से अपन गाड़ियां मंगा सकते हैं, 2 मार्केट स्लॉट अनलॉक हो जाएगा गाड़ी बेचने के लिए और अच्छे और ड्राइवर आ जाएंगे भाई, क्या बात है। लेट्स गो। ओह, फिक्स हो गया भाई, डेंट फिक्स कर दिया इधर टीन के शेड में छोटे से। अब देखते हैं भाई क्या क्या नई जगह हमारे लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे अब गाड़ी की डिफिकल्टी और बढ़ गई है, तो पहले आई थिंक इधर वाले में इजी है एंड इधर अब आ गया है मीडियम। तो क्या है कि चांस है कि ड्राइवर डिलीवर ना करे, और भी है क्या, मीडियम ही है इधर, तो खाली मीडियम है। हार्ड वाले आई थिंक अभी अनलॉक होंगे, देखते हैं भाई कुछ जगह अच्छा सा है तो वो ऑर्डर करते हैं। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए अपने को। 70% विनी, ओके। देन अपने पास ये है एक VIP आ गया भाई, और एक और गोल्डन वाला है तो अपन ये करते हैं 65%। एंड आई थिंक ये कर लेते हैं। चलो 3 अपन ने गाड़ी ऑर्डर कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट भी आ गए क्या? यस, कॉर्नेटो एल डोमिनो KK303। ओ, बस कस्टमर को यही चाहिए क्या? पार्ट्स भी चाहिए उसको। ओके, उसको गाड़ी के स्टैट से बिल्कुल मतलब नहीं है। कितना देगा? 400 प्लस कार प्राइस, और अपने को कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट भी मिल जाएंगे बढ़िया वाले। ठीक है भाई, आन दो ये, अपन देखते हैं कहीं अपने को कार की बॉडी मिल जाए तो। ओ, फिर से अंकल का फोन आ गया। कितनी जल्दी फोन कर रहे हो भाई, एक वो दिला दो ना सैटेलाइट फोन, हर 2 मिनट पे फोन कर देना है। Surprise me once again, nephew. तुरंत कर दिया अपन ने भाई, तुरंत you कर दिया। Found yourself in this business and you can develop it. हम प्रो हैं भाई बिजनेस बनाने में। Oh. Show me that you can maintain it and bring big profits for all of us. ठीक है। If you earn enough money from car sales, you'll show me that this place has a future and I'll decide not to close it. ठीक है, मत करना क्लोज अंकल, हम देंगे प्रॉफिट आपको। On $25,000 in revenue from selling cars at a junkyard. अरे भाई ये तो खतरनाक चैलेंज हो गया है। I don't think so. क्या हो गया भाई, बेबी कौन कर रहा है? 25,000 कमाने हैं हमें, कुछ टाइम लिमिट नहीं है भाई, तो आराम से कमाओ एंड अंकल को प्रूफ करना है कि ये जगह प्रॉफिटेबल है ना। एक्चुअली में एक VIP कस्टमर आया हुआ है फ्यूल पे, अभी उसको मैं फ्यूल दे देता हूँ। ये रहा VIP। चलो ठीक है। Well done, nephew. I'm really proud. अंकल यही है क्या? हाँ लग तो रहा है, गजब है भाई। एक्चुअली में कितने हो गए भाई VIP? 2 हो गए ना। ओके, अभी एक और बार हो जाएगा तो अपने को बोनस मिलेगा फिर। चलो गाइस, अपना सामान तो आ ही रहा है, मैं देख लेता हूँ। अपने पास एक गाड़ी पड़ी थी ना शायद अंदर, उस पे देख लेते हैं कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्या नाम है इस गाड़ी का? कॉर्नेट एल डोमिनो KK303। ए, यही बनानी थी ना शायद से। एक तो कॉन्ट्रैक्ट का इधर बोर्ड इतना दूर क्यों है भाई, गैराज में कहीं रखो ना, जाके ढूंढते रहो। ओ, यही बनानी है भाई एक्चुअली में, और इसमें बढ़िया बढ़िया चीजें लगानी है। ओके ठीक है, आई थिंक अपन ये एक्सेप्ट करते हैं। 11 दिन अपने पास टाइम है इसको बनाने का, अभी करते हैं काम चालू इस पे, जब तक अपनी गाड़ियां भी आ जाएगी है ना। यहाँ पे मेरे को स्पॉट और अनलॉक करने पड़ेंगे भाई, यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही रख पा रहे हैं ना, तो 2-3 ऐसा रखना पड़ेगा मेरे को। चलो यहाँ पे पार्ट्स डाल देता हूँ, मेरे पास कुछ होंगे तो। टेक ऑल, पुट दिस एंड इसको पहले मैं सैंडिंग कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग कर लेता हूँ। ये पार्ट में मजा आता है भाई, एकदम घिसी पट्टी गाड़ी को ऐसा नया जैसा दिखता है ना अंदर से, बढ़िया दिखता है भाई। अपन 25,000 कमा लेंगे, मतलब 1,000 एक गाड़ी का मिल जाता है, वैसे तो ज्यादा ही मिल जाता है कभी कभी, देखते हैं। बट चलो इधर से गाड़ी लेते हैं अपन। ए, कहाँ जा रहा है भाई? लेट्स पुट दिस हियर। ओ, ये वाली गाड़ी में अच्छे पार्ट होंगे मेरे ख्याल से, क्लासिक गाड़ी है, परफेक्ट।
आई थिंक अभी एक और आना है या फिर आएगा ही नहीं, वो लगता है क्रैश हो गया। बहुत चैलेंज पिटोना, ओ रोबस्ट, एंड ये भी रोबस्ट है, तो मतलब बॉडी पार्ट इतने अच्छे नहीं है। जब तक मैं इस पर काम कर रहा हूँ अपने डिसअसेंबल करने बोल लेते हैं। अरे जंक यार्ड स्टोरेज में स्टोरेज नहीं है, मतलब मैं देख लेता हूँ भाई जो गोल्डन वाले हैं। अरे जगह बिल्कुल नहीं बची है यार। चलो मैं पार्ट्स लगा के देखता हूँ, डिज़ाइन करके देखता हूँ अपनी गाड़ी। अगर अपने पास जो करंट पार्ट्स है उससे काम हो गया तो ऑल गुड एंड वेल, बट अगर नहीं हुआ तो फिर स्टोरेज खरीदना पड़ेगा मेरे को। लेट्स सी, सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास ये है फ्रंट बम्पर। ओके हमारे पास फ्रंट बम्पर है भाई, रियर बम्पर भी है, लेफ्ट डोर नहीं है, लेकिन क्या पता काम कर जाए। नहीं गोल्डन वाला ही चाहिए ना। ओहो देन इधर चाहिए स्पीडस्टर रिम, चूंकि हमारे पास नहीं है, और एक फाइव स्पोक वो भी नहीं है हमारे पास। देन कांच भी गोल्डन चाहिए और V8 इंजन चाहिए गोल्डन। अरे भाई कहां से मिलेगा? रूट ब्लोअर एम स्पेक एल डोमिनो हेड, सब गोल्डन चाहिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या मैं अपना स्टोरेज अपग्रेड कर पाऊंगा? मतलब लग तो नहीं रहा भाई, एक आध पॉइंट में तो नहीं होगा, एक आध कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट में। स्क्वायर, ओ ये कर सकते हैं भाई, 2 new slots फॉर ऑन स्टोरिंग रेक्स। अरे ये जरूरी है, फिर अपन और गाड़ियां रख पाएंगे बाहर की तरफ। यस ये तो चाहिए था, और जगह खाली हो गई वहां पे। ओके स्टोरेज के लिए अपने को कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट चाहिए चाहिए। ठीक है भाई क्या कर सकते हैं अपन फिर यहाँ पे, What option do we have? चलो गाइस, तो अपनी दोनों में से कोई भी गाड़ी अभी नहीं बना पाएंगे अपन, तो अपन तीसरी गाड़ी बनाएंगे जो कि ये है पेटोना। ये पेटोना किसी गाड़ी का नाम था ना, मेरे को याद है, डेटोना है क्या वो? हाँ शायद से। लेट्स सी भाई, इसके अगर सारे पार्ट निकल जाए तो अच्छा होगा अपने लिए। यस उधर कराया गया एक, एंड दिस, अरे नॉट इनफ स्पेस, मिरर तो चाहिए मेरे को। एक और पार्ट हटा दो, कुछ एक कुछ हटा दो, क्या हटा सकते हैं? स्पॉइलर हटा दो। ठीक है स्टोरेज की काफी दिक्कत है भाई। ओके नाउ वी आर रेडी टू मूव दिस टू गराज, इसको बनाएंगे अपन, इसको बेचेंगे ताकि अपने पार्ट्स खाली हो जाए भाई, जो फालतू फालतू के पार्ट है ना सब लगा के मैं उसमें बेच दूंगा, फिर अपन नई गाड़ियां और ऑर्डर करेंगे, काफी और होंगे अपने पास। ये क्या है भाई, ठुक गई क्या? हाँ लगता तो है ठुक गई, एल्कोहल पी के लुढ़क गई भाई। कैसे कैसे लोग हैं, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओके अपन शॉन को बोलते हैं कि भाई इसको तुम ग्राइंड करो अपन जब तक पार्ट्स में, अरे क्या लैग है भाई। ओके पार्ट्स को हम धो देते हैं, बेसिकली अपना मकसद है कि पैसा कमाने का, मकसद नहीं भूलना, 25,000 कमाने, ऐसे आए वैसे आए कैसे भी आए, है ना। क्या पता 25,000 कमाने के बाद शॉन अपने को अपनी गाड़ी दे दे, उसकी गाड़ी दे दे, या फिर अंकल एक बढ़िया सी गाड़ी भिजवा दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो शॉन ने बहुत बढ़िया काम किया, हम इसको डिजाइन करते हैं अब। लेट्स सी, फ्रंट बम्पर ये वाला लगा देते हैं, रियर बम्पर ये लगा देते हैं। ओके गोल्डन मैं नहीं लगाऊंगा भाई इसमें, क्योंकि गोल्डन अपने को कहीं और चाहिए, तो जो भी बाकी अवेलेबल है ना वो अपन लगा देंगे। फाइव स्पोक प्रो स्ट्रीट स्पॉइलर, ओके एग्जॉस्ट में भी अपन ये लगा देंगे, या फिर ये 334 वाला लगाते हैं। मिरर भी अपने को चाहिए बढ़िया वाला। V8 इंजन है अपने पास, लेकिन खटारा वाले हैं भाई। आई थिंक ये भी ऑप्शन देना था कि V8 इंजन या फिर कोई भी इंजन अपन रिपेयर कर पाए, उसको एकदम रिफर्बिश कर पाए वापस से। ओके दिस इज डन, अपन इस पे पेंट कर सकते हैं बढ़िया वाला। ओहो रेड एंड वाइट, फुल बॉडी करो ना, क्या बात है भाई, रेड एंड वाइट तो और बढ़िया लग रहा है। आई मीन देखो कार में ज्यादा कलर अच्छे लगते भी नहीं है, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को बताना। देखो रेड ठीक है, येल्लो किसी किसी गाड़ी में अच्छा लगता है, बट यार चलाने में ऐसा लगता है कि सब अपने को ही घूर रहे हैं मतलब मैं वैसा नहीं चाहता। ठीक है ब्लैक तो ओपी है ही, वाइट भी ओपी ही है, ब्लैक एंड वाइट ओपी है ज्यादा। आप लोग के क्या फेवरेट कलर है गाड़ी में वो बताओ, ये तो गेम है तो कुछ भी कर दो, है ना, मतलब कुछ भी कर लेकिन अच्छा लगना चाहिए। तो आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है मेरे को, अपन डीकैल डालते हैं उसमें, थोड़ा और पैसा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ। अरे ये टीन का डब्बा तो हटाओ। ओके मे भी क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल दूं ऊपर जीरो, इसका कलर हाँ ये। ओके $20 प्राइस भी बढ़ गया उसका, ठीक है भाई। फ्यूल खत्म हो गया मेरे गैस स्टेशन पे, आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, रुक जाओ। नहीं मेरे को आने की जरूरत नहीं है ना, मैं इधर से बोल सकता हूँ फ्यूल ऑर्डर करने के लिए। हेलो ऑर्डर, चलो अपन चालू करते हैं यहाँ पे अपना असेंबली। चलो इसको मूव कर दो फोटो स्पॉट पे, देन अपन इसकी फोटो खींच लेते हैं बढ़िया सी। डन
एंड प्लेटफॉर्म पर मूव करो। अब इसको अपन प्लेटफॉर्म पे नहीं करना था भाई, एग्जीबिशन पे करना था, मूव टू एग्जीबिशन। देखो भाई खटारा गाड़ी से कितनी बढ़िया गाड़ी बना दी अपन ने, इंटीरियर में ज्यादा कुछ नहीं किया है, चल जाएगी लेकिन, है ना, उतना ही चाहिए भाई, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। सेल में चलते हैं अपन, इसको 1200 की चल जाएगी क्या यार, मीडियम रीच मिलेगी अपने को, तो 1200 की चल जाए तो अच्छा है, कंफर्म बेचते हैं देखते हैं। वैसे भी अपने को उसमें 800 ही मिलेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं है। ये गाड़ी का पार्ट मेरे को बचाना है, मतलब बॉडी बचानी है, एंड बाकी इस पे काम करना है मेरे को, शेल्टी अमांबिया, एंड आई थिंक मैं इनको बेच ही दूंगा भाई, मेरे को इसको ज्यादा मतलब लग नहीं रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बेचूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, लेट मी चेक भाई, लेट मी चेक। ओके फ्यूल आ गया भाई, तो पहले मैं उधर जाके फ्यूल चालू कर देता हूँ, नहीं तो जाम लगा देगा इधर। ओके भाई कर दे रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, पंप मत करो। लेट्स सी भाई सेल कर पाएंगे कि नहीं अपन इसको। अरे हाँ जा तो रहा है भाई, 234 में $250 में चला जाएगा। आई थिंक ठीक है भाई, $70 वो ले लेगा, ठीक है तो बेच दो ना भाई, जल्दी जल्दी बेच दो अपने को, मतलब फालतू के पार्ट रख के जमावड़ा नहीं करना है इधर। देन आई थिंक मैं ये भी बेच सकता हूँ, इसमें पार्ट लगे भी हुए हैं, ऐसे ही बेच दूंगा तो चलेगा क्या, क्योंकि इसमें मेरे को गोल्डन पार्ट लग नहीं रहे ज्यादा। ये है गोल्डन वाला, ये ले लेता हूँ मैं, जो अपने काम का है वो निकाल लो, बाकी सब ऐसे ही लगे कि बेच दो, है ना, गोल्डन निकाल के बाकी सब बेच दो। V6 इंजन है इसमें, आई थिंक इंजन इज गुड बट जगह नहीं है यार। चलो मैं शॉन को बोल देता हूँ कि इस गाड़ी पे ग्राइंड, अच्छा ग्राइंड नहीं कर सकता क्या डायरेक्ट, तो क्या डायरेक्ट बेच सकते हैं, मेक फोटो, इसकी क्या फोटो निकालूं मैं, देखते हैं अपने पास जगह हो तो सब निकल जाए होपफुली। ओके भाई सब निकल गया इसमें से, शॉन को बोलते हैं कि तू ग्राइंड करके रख इसको, अपन आते हैं एंड कुछ नई गाड़ियाँ और ऑर्डर कर लेते हैं। ओ भाई और कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, ओके डेडलाइन 10 दिन का है, एंड आई थिंक अपन ये भी कर सकते हैं यार, इसमें नॉर्मल गाड़ी चाहिए, कोई सी भी गाड़ी चलेगी, रेक मेनली तो रेक ही चाहिए, एंड उसमें लेकिन ड्राइविंग और ये बढ़िया चाहिए, वो तो अपन इस गाड़ी को कर सकते हैं। लेट्स सी भाई, एक्सेप्ट करके देखते हैं, सब एक्सेप्ट करना ही है अपने को। ओ बिक गई ये गाड़ी यहाँ, नाइस, चलो बिजनेस अपना ऑन है, $1000 कमा लिया हमने, बस 24,000 और, इजी है, गाड़ी ऑर्डर नहीं की। अरे यार ये तो भूलने की बीमारी हो गई है भाई। लेट्स सी इसमें हो सकता है मे भी कुछ अच्छा हो, लेट्स ऑर्डर देन। ये सही लग रहा है एंड ये भी बढ़िया है भाई, तीनों आ जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो देखते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना पाएंगे कि नहीं, मे भी हो जाए। हाँ ये हो जाएगा, अपन को इसमें चाहिए एरोडायनेमिक्स चाहिए एंड कंट्रोल चाहिए भाई, तो इसमें एरोडायनेमिक्स है थोड़ा सा। ऑलराइट गोल्डन कुछ नहीं लगाऊंगा मैं, ये गेट लगा के मतलब ही नहीं है, बिना गेट के चलाओ तो बढ़िया चलता है। ओके भाई इसमें तो मैं कुछ भी पार्ट लगा दूंगा होगा नहीं, क्योंकि इसके पार्ट ही नहीं है अपने पास, 3-4 चीज़ें तो लगी नहीं, मेन तो गेट ही नहीं लगे इसके, तो एरोडायनेमिक्स और कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा उसकी वजह से। इसको ऐसे ही बेच देते हैं, फिर अगली गाड़ी जो होगी उसमें देखते हैं कुछ बढ़िया हो पाएगी नहीं। कलर कर दो हरा, फुल हरा कर दें। ओहो ये एक साइड का गेट क्यों लगा है, वो भी हटाओ, आई डोंट वॉन्ट। हाँ ये हुई ना गाड़ी, चलने लायक है, खर्चा बहुत है। लेट्स गो भाई, यस आई गेस 500 में भी जाएगी तो इतनी बुरी नहीं है। ओ भाई ओ गाना चेंज, ओए क्या गाना है भाई, हो गया क्या, वो आगे रह गया कुछ, उससे भी व्हाट इज दैट, ओके आवाज, अच्छा ये रह गया आवाज, एग्जॉस्ट, ओह बिना गेट की गाड़ी। एक तो ये फोटो लेने का क्या चक्कर है भाई, अच्छा फोटो एक्चुअली में वो जब सेल करते हैं ना तब काम आता है। सो आई एम स्टोक्ड, ओ भाई तीनों गाड़ियां आ गई फाइनली। क्या मैं शॉन को बोल सकता हूँ उतारने के लिए, नहीं अपने को ही उतारनी पड़ेगी यार, लेट्स सी पहले उतार लेते हैं भाई। तीनों गाड़ियां अच्छी लग रही है मेरे को, वो वाली गाड़ी नहीं जिसमें पार्टी नहीं लगते, तीनों अच्छी गाड़ी लग रही है। चलो चारों गाड़ियां यहाँ पे आ गई, इसको मैं सेल पे लगाऊं, मीडियम में चला जाए तो अच्छा है भाई, रीच मीडियम है इधर, 901 में डालते हैं इसको। चलो ये है रोबस्ट, ये है टॉप, ओहो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने को कोई सी भी चलेगी ना, तो आई थिंक अपन टॉप वाले के साथ जाते हैं, बिकॉज पैसा ज्यादा मिल जाएगा अपने को बेचने पे। ओके भाई आई थिंक ये गाड़ी परफेक्ट है अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए,
लेट्स सी, फ्रंट बम्पर बढ़िया वाला लगा देते हैं, ये भी बढ़िया। आई थिंक गोल्डन लगाओ कि नहीं, क्योंकि गोल्डन मेरे को शायद इसमें काम आएगा। नहीं, इसमें तो एल डोमिनो डोरी चाहिए, तो अपन बॉच वाला लगा सकते हैं। ओके, 4-4-4.5 एंड इसके सारे रिक्वायरमेंट्स मीट हो गए भाई, परफेक्ट। अपन इसको ग्रेडियंट कर देते हैं। एक मिनट, ग्रेडियंट करना है कि नहीं करना है? व्हाट, होल कार ग्रेडियंट? एक मटेरियल में तो ग्रेडियंट है ही नहीं भाई, की है ओ, ये नन चाहिए, ग्रेडियंट ये है। ओके, मैं वही बोलू क्या देख रहा हूँ मैं, ब्लडी रेड होल कार। ओ, ऐसी चाहिए इसको गाड़ी, आई थिंक सही है, काफी अच्छा कलर है भाई। एक मिनट, मे बी मैं थर्ड में थोड़ा रेड कर सकता हूँ, और हाँ ये भी सही है, बीच में वाइट एंड दोनों तरफ रेड, अलग लुक आ जाएगा। ओके भाई, एंड डीकैल में एक फ्लेम चाहिए भाई, एक तो जो भी है लगा दो भाई साहब को, मे बी इस तरफ बढ़िया लगेगा। इसको लाल कर दे, नहीं लाल नहीं, ब्लू, ब्लू तो दिखेगा नहीं यार, वाइट पीछे की तरफ दिख जाएगा, वाइट एंड वन मोर हियर। ओके भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना, अप्लाई। चलो इसको बना ले, ये सबसे फेवरेट पार्ट है भाई मेरा, मैं कितनी बार भी बोलूं लेकिन मजा आता है इसमें। ओके, ओ जल्दी बन गया भाई, लेट्स गो। चलो हूँ, मत करो अब, मूव टू एक्सिबिशन। These cars are coming from us like they come from a factory. Oh, अपन हाँ कुछ ज़्यादा जल्दी बना लिया ये वाला तो। ये वाला सबसे तेज़ बनाया था गाड़ी। I think ये गाड़ी बिक गई होगी, अपन इसको भी सेल पे लगा देते हैं और भी अब अपग्रेड हो जाएगा अपना वो। चलो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट करें अपन। कंप्लीट, सक्सेस, 1404, यस, कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट 4 मिल गए अपने को। ओके, मेरे को ये कंप्लीट करना था लेकिन यार इसके लिए मिल नहीं रहा सामान, अभी अपन बाकी दूसरे भी कर लेते हैं, है ना। ओ ग्रीन, ये बनाते हैं ना, ग्रीन आप लोग का फेवरेट कलर, नहीं मतलब जिसका भी है। सेल में क्लेम रिवॉर्ड, परफेक्ट भाई। फेम देखो कितना हो गया, 10 लेवल हो गया ना। अपने पास क्या क्या कलर अनलॉक हो गए हैं, डेकोरेशन अनलॉक हो गए हैं, क्रैश प्लेन, ग्राफिटी नहीं आ चुकी है, ग्रेडियंट, आर्गेलाइल RTX, ये क्या ग्राफिक कार्ड, आर्गेल आर्गेलाइल क्या बोल रहा हूँ। डेकोरेशन भाई अभी अपन खरीदेंगे, एक बार ये हो जाए ना, डेकोरेशंस खरीदते हैं फिर अपन। मेरे को क्या लग रहा है, अपन कुछ गाड़ियाँ वेरी लो पे बेच सकते हैं, मतलब वेरी लो जो लिखा आता है ना जब अपन सेल पे लगाते हैं, वो तब होगा जब अपनी गाड़ी बहुत अच्छी होगी, है ना, जो मेरा डिडक्शन है। अभी अपन ट्राई करेंगे, अगर सब कुछ गोल्डन वाली बन जाए ना तो अपन उसको वेरी हाई प्राइस पे बेचेंगे, नहीं बिकी तो वापस से मीडियम या हाई पे बेचेंगे भाई। आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म लगा देना चाहिए, क्या हो पाएगा, मतलब इतनी जगह है क्या कि यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म अनलॉक हो पाएगा, एक बार चेक करता हूँ मैं। अपग्रेड्स, जंकयार्ड, केमिकल बात है, कार एग्जीबिशन है, स्क्वायर है, गैराज। ओके, मोर स्पेस एंड एडिशनल प्लेटफॉर्म टू कस्टमाइज रैक्स, यस, 8000 एंड कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट 6x6 ले लेगा। चलो ये करते हैं भाई, एक बार में दो दो गाड़ी बनाएंगे हम अपन, लेट्स गो। ओके, एक इधर आ जाएगी एंड एक इधर आ जाएगी भाई, वाओ परफेक्ट भाई, काम हो गया अपना, तो काम आसान हो गया एक्चुअली में, और इधर केमिकल बात भी है तो इसमें सामान डालते रहो एंड करते रहो काम। चलो ये फोटो वाला तो कम से कम अच्छा हुआ, यहाँ पे अच्छी फोटो आएगी, अब घटिया फोटो ले रहे हैं तब से, क्या भाई साहब। भाई एक ही गाड़ी आई, यानी कि अपनी दोनों गाड़ी ठुक गई, अरे यार, और दोनों में एक्चुअली में गोल्ड सामान था जहाँ तक मैंने देखा था, चेक। ओके, ये तो आ रहा है, ओ ये भी आ रहा है, ओ ये व्हीकल ब्रेक डाउन है भाई साहब, गोल्डन था सामान, गोल्डन पार्ट था, हट। चलो दो पार्ट तो आ रहे हैं भाई। 5 minutes later. ओके गाइस, लगता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अपना हो जाएगा। इसमें देखो 1100 हो चुके हैं एंड अपन ने काफी गोल्ड पार्ट लगाए हैं, तो इसको मैं ट्राई करूंगा कि महंगे में बेचें अपन। तो इसको मेरे को पेंट करना है फ्लेम्स में, फ्लेम्स, एंड इसको अपन क्या कर सकते हैं, ग्रासी ग्रीन, हो ग्रासी ग्रीन और व्हाइट में क्या कर सकते हैं, व्हाइट की जगह कुछ और ब्लू, मे बी येल्लो ठीक लगेगा भाई, या फिर येल्लो एंड ग्रीन, लाइक इसमें ग्रीन करते हैं और मेन कलर अपन येल्लो करें, और बीच में व्हाइट ठीक नहीं लग रहा है, इसको भी येल्लो करो या तो ग्रीन करो, आई थिंक वो वाला ज़्यादा सही था। हाँ ये ज़्यादा ठीक है मेरे ख्याल से, ग्रासी ग्रीन करना था, अपने को दो डीकैल लगाने हैं बस, एंड अपना काम हो गया, कुछ भी ग्रफिटी बना दो यहाँ पे डॉलर एंड एक और डॉलर बना दे। ये देखो महंगी गाड़ी है, ये बेसिक डीकैल लगाना था, अपन ने फालतू का लगा दिया। ओके ठीक है भाई, सब हो गया इसका, परफेक्ट, अप्लाई, यस। चलो फाइनली काफ़ी टाइम बाद जाके एक बनाए, अपनी दो गाड़ियाँ उधर एग्जीबिशन में हैं बिकने के लिए, तो उनका भी अपन देख लेंगे कि बिकेगी नहीं। थैंक यू,
ओके हो गया, ये रह गया। इतनी फोटो लूंगा भाई मेरा स्टोरेज भर जाएगा। नो स्पेस इन एग्जीबिशन, ओ देख के आते हैं भाई, बिका की नहीं सब। दो दो गाड़ियां हैं, एक तो ये है और एक देखो ये खटारा वाली है, इसमें आगे हुड भी नहीं है। जिसको लेना है देखो, चलाने के लिए बढ़िया है भाई, सस्ती गाड़ी है ना। ओ बिक गई भाई, दोनों बिक गई। अब इसको मूव कर सकते हैं एग्जीबिशन में। ओके ये कितने की जाएगी भाई? मैं सोच रहा हूँ इसको अपन एकदम एक्सपेंसिव पे बेचे, मजा आ जाएगा। लेट्स सी भाई बेच पाएंगे कि नहीं। ओ वैसे बेचना नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, मैं भी क्या कर रहा हूँ कंप्लीट। ओ ये नहीं है क्या, ये वाला है। यस 1500 मिल गए भाई एंड 5 कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट। यप मेरे को ये भी कंप्लीट करना है यार, इसका रैक वाला, इसमें पावर और कंट्रोल वाला चाहिए, मिल नहीं रहा। लेकिन इसमें देखें अपने पास इसके क्या क्या पार्ट हो गए, जो अपने जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो सबसे महंगा वाला है। ओके फ्रंट बम्पर में ये लगा हुआ है, रियर बम्पर में अपन ये लगा देते हैं। लेट्स सी भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट। ओके लेफ्ट डोर आ चुका है, राइट डोर आ चुका है। ओह एंड राइट डोर का क्वालिटी भी अच्छा है भाई, लेफ्ट डोर का भी क्वालिटी अच्छा है। ओके ओके इसमें चाहिए स्पीडस्टर रिम और 5-spoke रिंग। अरे ये नहीं है अपने पास, स्पॉयलर भी नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं है, कांच अपने पास जरूर है, V8 इंजन भी नहीं है, रूट ब्लोअर M-spec, ये GTS है। ओके तो ये नहीं चाहिए, और L डोमिनो हुड। कलर होल कार में ये तो नन चाहिए, मैट चाहिए भाई। ओके मैट कर सकते हैं, दिस इज नॉट मैट होल कार, टैक्सी येलो। ओके नाइस। ओके ये हो गई मैट येलो, परफेक्ट। और एक ग्रेफिटी वो अपन बाद में लगा देंगे। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें मिसिंग है भाई, देखते हैं ये कहीं मिल जाए अपने को। तो इतना मैं बना दूँ क्या अभी के लिए भाई, दिक्कत ना हो जाए बस बनाने के बाद, कि फिर डिज़ाइन ना कर पाऊँ मैं। आई डोंट नो, लेट्स सी, अगर आधा बन जाएगा तो काम हो जाएगा। क्योंकि क्या कि ये पार्ट गलती से कहीं यूज़ ना हो जाए, इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूँ। सित्ता हो गया, इसको फिर से डिजाइन कर पाऊंगा? हाँ कर पाऊंगा भाई, अरे परफेक्ट है तब तो। अभी मंगाते हैं नई गाड़ियां अपन। यहाँ पे देखो ये गोल्डन नहीं, ये नहीं, ये है, इसमें मिल जाएगा मेरे ख्याल से कुछ कुछ। लेट्स पे एंड ऑर्डर। अपन सिर्फ एल डोमिनो जिस पे लिखा है ना वो कर रहे हैं, बिकॉज उसमें अपने को पार्ट्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे इसके पार्ट। 5 minutes later चलो अपने VIP कस्टमर आए हैं कुछ आइसक्रीम पे, उनको दे देते हैं भाई, बड़ी आइसक्रीम खिला देते हैं। पिछली बार बड़ी गड़बड़ कर दी थी आइसक्रीम इनको अच्छी नहीं दी थी। Good to visit a familiar business. क्या चाहिए बोलो, दिख नहीं रहा भाई मेरे को, इसको चाहिए क्या? ओ करंट ऑर्डर ये रहा भाई। ओके स्मॉल कॉटन कैंडी, ओके जो कि खत्म हो चुका है। अबे कॉटन कैंडी आई नहीं, सॉरी अंकल अभी नहीं है हमारे पास, मंगा लेता हूँ मैं आपके लिए, है ना। ओके आइसक्रीम रीस्टॉक हो गई, अब रख सकते हैं अपन। इसको रीस्टॉक करना कैसे है लेकिन, वेट अ मिनट, तो ये खुद कर देगा क्या? नो आइसक्रीम, अभी तो मंगाई मैंने। ओके भाई अंकल चले गए क्योंकि आइसक्रीम नहीं दी, लेकिन मैंने तो आइसक्रीम मंगा ली थी, तो पता नहीं क्या चक्कर है, इधर तो स्टॉक में नहीं है आइसक्रीम लेकिन हदी है। चलो भाई मेरे को लगता है ये वाली गाड़ी भी बिक गई होगी अब। यप 1800 एंड अपने को कितना मिला इसका, 500 कट के 1271 भाई, नाइस। ओके 7,500 कमा लिए हैं हमने, हमें बस कुछ 18,000 और कमाने हैं। तो गाइस आई थिंक अपन वो कमाएंगे अगले एपिसोड में, एक एपिसोड के लिए तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 25,000 कमाते कमाते 2-3 घंटे लग जाएंगे अपने को, तो वो हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मजा आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, हम लोग जाते हैं 350 लाइक के लिए, तो 350 लाइक करवा दो गाइस फटाफट से, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।